हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जून का जो एग्ज़ाम था CSIR नेट JRF का, तो उसका प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर पहले डिस्प्ले कर दिया गया था, उसके बाद क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया था और अभी फाइनल आंसर की और रिजल्ट का वेट किया जा रहा था। तो CSIR जो है उसने जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज कर दी है। इसको चेक करने के लिए आपको CSIRnet.nta.ac.in पर जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले में दिख रहा है फाइनल आंसर की ऑफ CSIR UGC नेट जून 2024 एज ऑन 11/9/2024, यानी कि ये आंसर की आज ही रिलीज हुई है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड दिया गया है और सब्जेक्ट का नाम दिया गया है और जो आपका एग्जाम डेट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये जैसे आपका हो गया केमिकल साइंस का, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसमें नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस, ये आपका 25/7/2024 में एग्जाम हुआ था, तो इसकी फाइनल आंसर की होगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी जो है वो 702074, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। उसी तरह जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो मैथमेटिकल साइंसेस का है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आईडी और करेक्ट आंसर एक के बाद एक मेंशन किए गए हैं। उसी तरह से आप जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो फिजिकल साइंसेस, और नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर लाइफ साइंसेस का दिख रहा है। लाइफ साइंस के दो शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो पहले दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 703630 ये क्वेश्चन आईडी है, इसका आपका अगर फर्स्ट ऑप्शन है तब भी करेक्ट माना जाएगा और अगर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो इन्होंने ऑफिशियल फाइनल आंसर की है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब देखिए बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये है कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो हमेशा देखिए ऐसा होता है कि फाइनल आंसर की आने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि या आशा करता हूँ ऐसा कि जो आपके अगले 7 दिन है उसके अंदर अंदर जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो NTA द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके विद इन 15 डेज में जो आपका अगला एग्जाम होने वाला है दिसंबर वाला, उसकी जो फॉर्म है वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। अगर जिन लोगों का हो जाता है इस एग्जाम में उनके लिए बहुत खुशी की बात है, जिनका अगर नहीं होता है तो उनको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में उनका अगला एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा NTA द्वारा, तो उसकी तैयारियों में लगे रहें। ये आंसर की आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप डायरेक्टली भी आंसर की को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।